और इधर देवास में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्की मक्कड़ ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मक्कड़ ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए लिखा है कि जो गलती साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने स्वर्गीय सुभाष यादव को हटाकर की थी, जो हार का कारण बना था, अब 2018 में सत्ता में आने की उम्मीद बनी है तो फिर से राग अलापने लगे हैं। इतना ही नहीं, लक्की मक्कड़ ने यह भी लिखा कि पिछले चार साल में प्रदेश में संगठन शून्य था, जब ये पार्टी के ठेकेदार कहां गए थे। वहीं अरुण यादव समर्थक कांग्रेस महामंत्री शौकत हुसैन ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्की मक्कड़ का समर्थन किया है। उधर भाजपा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हुई है। सतना के रामनगर